नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर अपघटक? तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका आप लोग का राइट आंसर है डी वाला, अपघटक। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला जो है इस प्रकार होती है, जैसे कि उत्पादक, फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और अपघटक। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो संख्या है ये होती है अपघटक की। ओके, चलिए इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। सीड थेरेपी जो है ये किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? एड्स के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, कैंसर या फिर अस्थमा? चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो की जाती है कैंसर के लिए की जाती है। तो सीड थेरेपी जो है कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने रहा, कौन सा मिलान सही नहीं है? विद्युत चुंबकत्व फैराडे से संबंधित है, विरासत आप लोग का विरासत का सिद्धांत डार्विन, जड़त्व का नियम न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इनमें से सही मिलान कौन सा नहीं है। चलिए फिलहाल ये दिया गया है विरासत का सिद्धांत डार्विन। तो आपको बता दें विरासत का सिद्धांत जो है मेंडल ने दिया था, जबकि डार्विन ने जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आप लोग का यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आप लोग के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडो सिम्बायोटिक फिक्सेशन में मदद करता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा आप लोग का राइट आंसर? चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, फोर्थ का आप लोग का जो राइट आंसर होगा ये होगा राइजोबियम। ठीक है, तो जो है राइजोबियम एक विशेष जीवाणु होता है जो पौधे में नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, राइजोबियम एक विशेष जीवाणु होता है जो पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, और यह जो है मटर में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, ये आप लोग के सामने देख सकते हैं। किस बीमारी में जो है स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है? अमनेशिया, विखंडित मानसिकता, कैंसर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए आपको बता दें ये है अमनेशिया में। ठीक है, तो अमनेशिया बीमारी में स्मरण शक्ति जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और यह जो है चोट लगने से या फिर ड्रग्स लेने से हो जाती है। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन के, तो देख सकते हैं सिक्स क्वेश्चन आपका क्या है। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? दोस्तों जो हमारे ब्लड का जो थक्का बनता है ना, तो वो किस विटामिन के कारण बनता है? ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो आपको बता दें ये बनता है विटामिन के कारण। तो विटामिन के जो है ये रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। सेवन क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण होते हैं ये किस साधन से होते हैं? ठीक है, ये होते हैं हवा से। तो पंखुड़ियों के बिना फूलों में जो परागण होते हैं ये हवा के द्वारा ही होता है, जब हवा चलती तभी परागण होता है फूलों में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्या आप लोग जानते हैं कि जो मकड़ी का जो जाला होता है ये किसके द्वारा बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर्स, प्रोटीन, वसा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें ये बना होता है प्रोटीन से। तो मकड़ी का जाला जो है ये प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? ये बना होता है आप लोग का प्रोटीन से। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की, तो यार आप लोग के सामने। मनुष्य के शरीर में कितनी सच पसलियाँ होती हैं? तो ये रहा आप लोग के सामने ऑप्शन, और आप लोग का राइट आंसर 14। तो मनुष्य के शरीर में जो है 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ होती हैं। ठीक है, जिसमें 14 जो है सच पसलियाँ हैं, ये आप लोग याद रखिए। इसमें जो 14 जो है ये सच पसलियाँ होती हैं। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, और आपको बताना है कि कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आप लोग का जो राइट आंसर है ये है प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, तो राइबोसोम का जो कार्य है दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर, यह जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।